में जो उलटफेर हुआ है उसके बाद वो तानाशाही वाला आरोप वापस आ गया है, हिटलर वाला आरोप वापस आ गया है, वहां हुआ क्या है? वहां पर आपकी पहली जीत आ गई है 4 जून से पहले ही, लेकिन वहां जीत तो आई है, आरोप भी आ गए। सुचेता जी, आपको हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को भी हनुमान जन्मोत्सव को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। आप देखिए, पहला जो है सूरत ने ये दिखा दिया है कि आगामी लोकसभा की सूरत क्या होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीरत के चलते सूरत में खाता खुल गया है और 400 पार में करने में जो है अब 399 ही शेष बचे हैं और वो भी पार हो जाएगा, ये संदेश है। अब प्रश्न आपका है कि पहला जो अनअपोज्ड निर्विरोध जो चुना गया, अगर निर्विरोध चुना जाना, अगर तानाशाही है और इस आधार पर अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह है तो 1957 में 5 कांग्रेस के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू पहले तानाशाह थे। 1962 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, 67 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, 77 में आपातकाल के दौरान 2 लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, 1989 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, 2012 में डिंपल यादव कन्नौज में, और हर कोई जानता है कि पर्चा कैसे नहीं भरने दिया गया, उसकी विकृत तस्वीरें भी पूरे देश ने देखी थी, उसका आपको जो है रिपब्लिक भारत के लोग अगर फाइल ढूंढेंगे तो फाइल भी मिल जाएगी कि सुब्रत पाठक के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करके उनको नामांकन जो है दायर करने से रोका गया था। यहाँ पर तो किसी ने नहीं रोका, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, और जो लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं उसमें टीटी कृष्णाचारी थे, पीएम सईद रहे हैं जो लक्षद्वीप से कई बार सांसद हुए हैं, यशवंतराव बलवंतराव चौहान जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे वो अभी निर्विरोध निर्वाचित होते रहे हैं, तो ये क्या जवाहरलाल नेहरू को तानाशाह कह रही कांग्रेस? इंदिरा गांधी तानाशाह थी ये कहना चाह रहे हैं? राजीव गांधी तानाशाह थे ये कहना चाह रहे हैं? तो मुझे लगता है कि निर्विरोध निर्वाचित होने का यह सीधा सीधा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो गुजरात समेत पूरे देश में प्रचंड लहर चल रही है, जनादेश की इबारत जो है दीवारों पर साफ साफ दिखाई दे रही है, इसके कारण सूरत से पहला संदेश आया है। ये जो आप बात कह रहे हैं, मैं अनु जात्री जी आपसे पूछ लेती हूँ, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये क्यों तानाशाही नजर आती है, क्योंकि ऐसे निर्विरोध तो पहले कई बार चुने गए और आपके बड़े शीर्ष नेता चुने गए हैं, कांग्रेस ने वहां पर अगर हार गई वो सीट, और वो है कहां आपके प्रत्याशी, वो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कहां चले गए, वहां क्या सेटिंग हो रही है नहीं हो रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं पार्टी का? देखिए, मुझे लगता है पार्टी को ध्यान है, थोड़ा आप भी ध्यान दे देते तो बेहतर होता। अब उस समय के कालखंड को आप आज से तुलना कर रहे हैं तो जरा उसके तब के तथ्य और आज के तथ्य देख लीजिए। आखिर क्या कारण हो गया कि कांग्रेस के प्रत्याशी की आप जो है उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर देते हैं छोटी छोटी बातों पे, जबकि उसमें जो छोटी छोटी त्रुटियां, उसको कैंडिडेट को मौका दिया जाता है कि आपको ठीक कर लीजिए। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस का रिजेक्ट कर दिया, दूसरी बड़ी बात यह कि 8 जो दूसरे कैंडिडेट थे वो विड्रॉ कर लेते हैं। बड़े हैरानी की बात है कि मतलब बाकी एक का आपने रिजेक्ट करके और बाकी 8 कैंडिडेट विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो काम खराब होगा ना वहाँ पे, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो नहीं है। क्या वजह है कि एक कैंडिडेट विड्रॉ कर रहा है, 2 विड्रॉ कर रहा है, एक भी नहीं टिक रहा है सामने, और जो टिक रहा है सामने उसका आपने विड्रॉ कर उसका रिजेक्ट कर दिया है। तो अब जवाब देंगे, जवाब तो इनको देना होगा, चुनाव आयोग को जवाब देना होगा, और जो अपनी सीरत पे जो ताल ठोक रहे हैं ये जवाब दें कि देश को कौन सी सूरत दिखाना चाह रहे हैं, किस तरफ लोकतंत्र को लेके जाना चाह रहे हैं। हम तो सीधा सीधा स्पष्ट मानना है कि विपक्ष को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। आप विपक्ष के नेताओं को उठा करके अपनी रिवेंज टेकिंग एजेंसी नहीं, नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड कौन नहीं दे रहा है आपको भाई? अनुज जी, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? लेवल प्लेइंग फील्ड वो होती है सुचारू कि आप अपने ओपोनेंट्स को बराबर का मौका दें, ये नहीं कि आपके पास अगर सत्ता की चाबी है। कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को बराबर का मौका नहीं मिला? नितेश खंबानी जी ने अपनी खुद की जो उन्होंने प्रस्तावना रखी है, उन्होंने जो अपने कागज दिए उसमें नाम उन्होंने गलत लिखे, तो इसमें क्या बीजेपी की गलती है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्लेरिकल एरर्स हो जाते हैं सुचारू, क्लेरिकल एरर्स नहीं है, रिश्तेदारों के नाम डालना क्लेरिकल एरर्स होता है, एरर्स हो जाते हैं, और उसमें क्लेरिकल एरर्स नहीं है, ये सोचे समझे एरर्स है। इलेक्शन प्रोसेस में प्रावधान है, कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है अपनी भूल सुधारने का, लेकिन यहाँ तो मौका ही नहीं दिया जा रहा, मौके की ताड़ में है कि आप कोई भूल सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप कोर्ट क्यों नहीं गए अभी तक?
निश्चित तौर पे जाएंगे, कांग्रेस पार्टी कोर्ट क्यों नहीं गए? अभी तो जनता की अदालत में पाला बदल चुके हैं सर, आप लोग बैठे रह गए। मैं जो जनता की अदालत में वो पाला बदल चुके हैं, कहाँ है आपके नीलेश खंबाटी, कहाँ है वो? आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कहाँ है? वो तो पाला बदल गए, वो तो गायब है, वो तो मिल भी नहीं रहे, वो उन्होंने पाला बदल लिया है, पाला बदल कर वो दूसरी तरफ चले गए। यही तो देश में चिंता का माहौल, अब एक बड़ी तो चिंता का माहौल है कि कैंडिडेट्स गायब हो रहे हैं, कैंडिडेट्स विड्रॉ कर रहे हैं, कैंडिडेट्स का अपना ही नाम गलत लिख रहे हैं और उसके बाद गायब हो रहे हैं और पाला बदल रहे हैं। ऐसा कौन सा ये जादुई छड़ी चल रही है इस देश में कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सब छोड़ करके, अच्छा जो कैंडिडेट बीजेपी के उनके साथ ना रहे तो सारे जादुई वो जिम्मेदार होंगे या आप जिम्मेदार होंगे, मुझे ये बताइए। अगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उनके साथ ना रहे, दूसरी पार्टी में चले जाए, उसके लिए वो जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बताइए कि अभी कौन सी ऐसी जादुई प्रक्रिया चल रही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को छोड़ करके लोग अचानक नए नए ये जो है प्रकरण सामने देखने को आ रहे हैं। कैंडिडेट अपना नाम गलत लिख देता है, उसके बाद गायब हो जाता है, शेष बचे हुए 8 कैंडिडेट वो अचानक अपना सारे के सारे नाम वापस ले लेते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये सब जनता जनता देख रही है, आपके शो को भी जनता देख रही है। हाँ। और अदालत की आपने बात करी, अभी चुनाव है, जनता अच्छा, ही सबसे बड़ी जनार्दन है, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने ये बात कही, आप ये बार बार कह रहे हैं, मैं जनता को मैंने इसीलिए शुरुआत में बताई कि सूरत में हुआ क्या है, 4 जून से पहले ही जीत हो गई है बीजेपी की वहां पर सूरत सीट पर। अब जिस तरह से उसके बाद तानाशाही वाली बात राहुल गांधी ने कही, अवधेश जी राहुल गांधी कह रहे हैं ये तानाशाही है, अब आज जिस तरह प्रधानमंत्री ने उसका जवाब भी दिया, प्रधानमंत्री अपनी रैलियों से वो लगातार उन आरोपों पर भी बोल रहे हैं जो विपक्ष उन पर लगा रहा है, आरक्षण खत्म कर देंगे, तानाशाही ले आएंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, चुनाव नहीं होने वाला है, इन सब बयानों पर वो बोल रहे हैं। आज जो गोवा के एक प्रत्याशी का बयान आया, मैं उस पर भी जाऊंगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि संविधान अलग होना चाहिए, गोवा के लिए अलग एक परिपाटी थी, उसे वापस लाना चाहिए, देश के साथ नहीं। अब ये वाला बयान संविधान खत्म करने वाला है या वो वाला बयान? पहले तो सूरत पर देखिए, 1989 से सूरत भारतीय जनता पार्टी के पास थी, कभी वो चुनाव हारी नहीं। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि वो चुनाव में हारने का डर होगा, क्योंकि गुजरात का कोई जिला नहीं है जहां आधा से ज्यादा कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल ना हो गए हों, बल्कि प्रखंड की मैं बात कर सकता हूं, वही हालत मध्य प्रदेश में है। दूसरी बात है कि अभी तक देखो 35, मेरे पास जो एक लिस्ट है, 35 लोग 1951 से लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, और आपने भी यहां डिबेट किया था जब डिंपल यादव 2021 में निर्विरोध ही तो निर्वाचित हुई थी, तो उस समय तो तानाशाही नहीं थी जब डिंपल यादव कन्नौज से निर्विरोध निर्वाचित हो गई थी। अनेक नाम है ये, अब उसकी जांच हो सकती है, लेकिन जब वो जो कैंडिडेट ही बीजेपी में जाने के लिए तैयार है, तो कांग्रेस को तो इसका आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारी पार्टी की ऐसी कैसे दशा हो गई कि एक आदमी लोकसभा चुनाव में खड़ा है, उसका नामांकन गलत साबित हो जाता है, बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है और वो बीजेपी में शामिल होने के लिए चला जाता है। तो आखिर क्या हालत है इस देश में कि अयोध्या में रामलला की, देखिए अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहला विद्रोह गुजरात से शुरू हुआ था, जब अर्जुन मोटवाड़िया ने कहा कि पूरा देश इस पर प्रसन्न है, उत्साह मना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसकी विपरीत है, इसके साथ मैं नहीं जाऊंगा, उसके बाद से 5,000-10,000 लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। तो उसका एक बड़ा कारण यही है कि जो राहुल गांधी जो इस समय कह रहे हैं डिक्टेटरशिप आ जाएगा, लोकतंत्र चला जाएगा, संपत्ति का सर्वे करा देंगे, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से जो घोषणाएं हैं कि इनका पर्सनल लॉ लागू रहेगा, इन समुदायों से बातचीत करके हम पर्सनल लॉ पर जो है रिफॉर्म करेंगे, तो उसके कारण एक पूरा रिजेंटमेंट है कांग्रेस के अंदर कि देश हिंदुत्व की ओर है, देश हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रभाव की ओर है, और हमारी पार्टी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट अल्ट्रा सोशलिस्ट के चक्कर में पड़के क्या क्या घोषणाएं कर रही है। तो वो इस समय जो है उसके कारण सारा कुछ हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है, ये कोई कहे कि कोई दबाव डाल के हो रहा है, मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि आज कोई साधारण आदमी को भी दबाव डाल करके और इस प्रकार से विवश कर दिया जाए।